शुरुआत करने से पहले हम MBBS और MBBS अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते पब्लिश करते हैं, तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रिंग को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। प्लस लाइसेंस मिला और 86 को सिर्फ डिग्री मिली। दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर। वाइल इंडिया नीड्स ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, सॉलिड डिमांड है डॉक्टरों की इंडिया में, बट so many students, thousands of students go, this is the ratio of getting the license. What happens now? All things wasted. So out of 12,000 students, approximately 1500 students got the license, rest are sitting at home preparing for the next exam again. This is the problem. Do you think, does it make sense? To just go abroad without ensuring that you clear your next exam. What's more important for you? Let me ask you this question. In the meantime, I'll answer one of the questions asked by one of the students. So you have a poll being conducted here. Okay, you can check that out. I request everybody to participate and finish off the voting part. जब इतना बुरा results आता है तो जरा सा भी अपने को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। हमको इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन पहले साल से तैयारी करनी है। एवरी डे वी कंडक्ट अ पोल एंड यू विल फाइंड सम पर्संस हु विल से इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। दीज आर दोज पीपल हु आर एजेंट्स हु वांट टू टेल टू यू दैट कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए, मुझे लाइसेंस चाहिए ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। आई शेयर दिस रिजल्ट्स विथ यू एंड सी। 100 पीपल वेबिनार, 11 लोग एजेंट्स हैं जिसको समझ में नहीं आता। 33% ऐसे हैं इनको किसी ने अवेयरनेस नहीं किया कि एक्चुअली आपको लाइसेंस एंड पॉइंट। 56% हैव अंडरस्टूड दैट बिना लाइसेंस तो मुझे अब्रॉड जाने का मतलब ही नहीं है, मैं क्यों खर्चा करूं, क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं। सो इंडिया के अंदर एक नॉर्मल एडमिशन एजेंट जो रहता है वो छोटे छोटे गांव में एक छोटी सी ऑफिस, सिटी में एक छोटा से कोने में ऑफिस लेके बैठा है। दिस इज व्हाट यू गेट एंड दीज आर द पीपल हु स्पॉइल द करियर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हेन यू कम टू मोक्ष, मोक्ष हैज ऑफिसेस इन 33 सिटीज and Moksh will tell you right from the beginning the threat points and the plus points both. This is without next ka coaching jana senseless hai. ये जो छोटे मोटे एडमिशन एजेंट है उनको कुछ भी नहीं पता होता है, जो अभी यहां पे बोलते हैं नॉट इंपॉर्टेंट, उनको चाहिए ही नहीं कि आप अवेयर हो जाओ कि फॉरेन जाने में उतना ही प्रॉब्लम है अगर हम पहले से नेक्स्ट का कोचिंग न तैयारी करें तो। मोक्ष के साथ में इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं? क्योंकि मोक्ष पहले आपको कोचिंग का प्लेटफॉर्म देता है, आपको एक फ्री में ट्रायल देगा, जब तक आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो आपको फॉरेन जाने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले सिस्टम समझो कि लाइसेंस कैसे हो मिलेगा आपको। व्हाई आर वी गारंटिंग योर पासिंग इन नेक्स्ट इफ यू अटेंड टू ऑल आवर क्लासेस? हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी? आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके, I hope you are clear about this basic thing. Let me answer the next question.
कैन यू टेल मी विच चाइना? अरे भाई आमिर भाई, चाइना खत्म हो गया, देर इज नो सीट अवेलेबल इन चाइना। ओके प्रेक्षा 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 प्रेक्षा, आपको मैं बताता हूँ, करीबियन जाने के लिए आपको सबसे पहला उधर का एक्रेडिटेशन चेक करना पड़ता है, एंड इट इज कॉल्ड CAMHP। लिख लो, इसको सर्च करो, और ये चीज क्या है वो पहले जानो। आपको कोई गलत फहमी में रख रहा है, झूठा काम बता रहा है। यूएस का सपना जरूर दिखाया होगा परीक्षा, आप करेक्ट है? ये असेस प्रोग्राम में चले जाओ और आप वहां पे देखो क्या इस यूनिवर्सिटी को मिला है एक्रेडिटेशन। ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, ये यहाँ पे खत्म होगा, बेलीज नहीं दिख रहा है। सो दे डोंट गिव एक्रेडिटेशन टू द रॉन्ग यूनिवर्सिटीज, एंड दिस इज हाउ इनिशियल होता है, तो विड्रॉ कर देते हैं जरा सा भी, बहुत डेंजरस है। आपको जाना है तो अच्छे में जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये CAMHP क्या है? जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इंडिया है, तो आप उसके अपग्रेडेशन में जाते हो, तो वैसा ही CAMHP आपको समझना पड़ेगा कि क्या है ये। आप पढ़ो इस CAMHP, इज अथॉरिटी फॉर एजुकेशन इन मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोफेशनल इन करेबियन, एक्रेडिटेशन अथॉरिटी है फॉर मेडिसिन, जो पूरे कैरिकॉम एरिया में लागू होती है। आप किसी एजेंट को पूछोगे तो आपकी पूरी करियर बर्बाद कर देगा, जो भी बता रहा है उसको बोलो सर ऐसे गलत शलत मत बताओ, कैरिकॉम एरिया क्या है, कैरिकॉम कंट्रीज कौन सी हैं, आप ढूंढ सकते हो कि आपको समझ में आए परीक्षा कि ये CAMHP इस कंट्री में लागू है, एप्लीकेबल है या नहीं है। कैन सी इट ही ऑन द विकिपीडिया, बेलीज इज द कंट्री विच इज अ पार्ट ऑफ कैरिकॉम मेंबरशिप सिंस राइट सिंस 1974, एंड व्हेन इट इज कैरिकॉम अ पार्ट ऑफ द कैरिकॉम इट मींस CAMHP is needed to be applicable as an accreditation body, and if CAMHP is not there, that means you can never, you are going to an unaccredited university. Have you understood now? Where is it, Preksha? Did you see the university name in Belize? What's the name of the university which is approved? Columbus University in Belize. I don't see that. Where is it? Is it there on the list? You are saying it is approved till 21. It is not there. Nobody should go to a non-approved university in CAMHP. Simple. Where do you find they are cheating you? Where is it? CAMHP is Caribbean Medical University, or wo bhi denied mein hai. Iske baad mein alphabet seedha G aa jata hai. आप समझ गए अभी? विकिपीडिया से मतलब नहीं, विकिपीडिया मैं इट्स अ पब्लिक फोरम, यू शुड गो टू CAMHP। विकिपीडिया में मैं डाल दूंगा तो कोलंबस आ जाएगा। एनीबडी कैन पुट इन वॉट एवर यू वॉन्ट, इट्स एन ओपन फोरम, यू शुड नो दैट। यू शुड गो टू द CAMHP वेबसाइट एंड चेक एवरी यूनिवर्सिटी विच इज अप्रूव्ड।
ओके, विकिपीडिया इज एन ओपन फोरम, एनीबडी कैन राइट एनीथिंग. Okay, I think I have told you very clearly, Raj Kumava Crimea is of course the one of the best universities. But then for Crimea, you need 70% in chemistry and bio, otherwise you can't get in. Hello sir, I want to know about between Osh is compared with other university in Kyrgyzstan. Akhilesh Bharia, aap Kyrgyzstan se bahar aa jao. Ho sakte hai, bachna hai to abhi time hai aapke paas. ये आप लोगों को इसीलिए ये वेबिनार की जरूरत पड़ती है कि सच्चाई बाहर आ जाए एक एक चीज, क्योंकि यहाँ पे गलत करने वाले एडमिशन एजेंट बहुत है. ये निगेटिव लिस्ट है और ये पॉजिटिव लिस्ट है. हाउएवर, इवन इन पॉजिटिव लिस्ट यू हैव टू डिसाइड विच इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी. रशिया में भी 48 यूनिवर्सिटीज हैं, हमने रैंकिंग देखी, टॉप वाली 5-6 में चले जाओ, बाकी की छोड़ दो. यूक्रेन में भी प्रॉब्लम होता है कि ये यूक्रेन है, आप ईस्टर्न पार्ट छोड़ दो, ये वॉर जोन है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, ठीक है. गो फ्रॉम कीव राइट अप टू यू लेफ्ट साइड में, यहाँ पे टॉप एंडेड यूनिवर्सिटी मिलेगी. कजाकिस्तान में आपको वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटी मिल सकती है. बेलारूस में एमसीआई का हाईएस्ट पासिंग विटेज में है, वो ले लो. तो यू हैव टू नो हाउ टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी, देन ओनली यू विल गेट गुड. ऐसा नहीं कि पूरा रशिया अच्छा है, रशिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज टीच यू इन रशियन लैंग्वेज. हाउ विल यू एवर पास इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन व्हेन यू कम बैक? आई विल शो यू दीज थिंग्स. लेट मी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस. अगर कोई नेपाल में जाना चाहता है तो उतने ही खर्चे में आप मेडिकल पीजी इन यूएसए कर सकते हो. Worst infrastructure available in all these countries is in Kyrgyzstan. Avoid it. NMAT exam है, उसके बिना, entrance exam के बिना मिलता नहीं है. यहाँ पे agent झूठ बोल बोल के आपको गलत फहमी फैला रहे हैं. So please don't go to Philippines because of the NMAT exams. Anybody trying to go to Georgia, Philippines, Nepal? Let me explain much more detail. Vinita, there is no seat available in China. The agents are still selling it. They'll take your money and they'll run away. You will not be in a position to go. अरे शाकिब अली, अगले साल नानजिंग जा सकते हो. नानजिंग का बैच अभी डिपार्ट हो रहा है. आप लोग कहाँ, कौन सी दुनिया में हो? Okay, Nitesh Kumar, we'll talk about US now. I hope everybody is clear about selection of the university. Any other questions at the UG level, then I'll explain you your roadmap. So, क्या होता है आप लोगों को समझना पड़ेगा. दिस गेट्स फुलफिल्ड बाय जुलाई 15th. द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ यूक्रेन विल गेट फिल्ड बाय ऑगस्ट एंड. रशिया विल कंटिन्यू टिल यू नो ऑगस्ट एंड. बेलारूस टिल सेप्टेम्बर एंड. दिस इज हाउ. एंड कजाकिस्तान इज टिल अक्टूबर. दीज आर द ओनली ऑप्शन अवेलेबल. बाकी अगर कचरे में जाना है तो यूक्रेन का अक्टूबर 25th को भी एडमिशन मिल जाएगा, फालतू से फालतू यूनिवर्सिटी में. So, अगर ईस्ट पोर्शन में जाना है, डेंजरस जोन में जाना है, आपको मिल जाएगा. यहाँ की सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज जैसे लवीव है, जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, 238 ईयर ओल्ड. अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपका एडमिशन अभी इमीडिएटली लेना पड़ेगा. देर आर यूनिवर्सिटीज विच आर रैंक्ड एंड यू कैन डिफाइन बुकोविनियन, जैसे हाईएस्ट यू नो एमसीआई पासिंग रेशियोज हैं, जैसे इवानो है, जैसे यू नो बोगोमोलेट्स है, बट दैट्स नॉट दैट गुड बिकॉज ऑफ द होस्टेल प्रॉब्लम्स. सो देर आर लॉट ऑफ सच थिंग्स दैट यू विल हैव टू थिंक अबाउट बिफोर यू कैन डिसाइड ऑन यूक्रेन. लेट्स गो टू यूएस. आर वी क्लियर अबाउट इट नाउ? एनी अदर क्वेश्चन दैट आई हैव फॉरगॉटन? दिस इज योर रोड मैप.
remember we are talking about MBBS. How many of you really want to stop their journey at MBBS, and how many are really thinking to go up to PG? There is a poll that we have generated on your screen right now, and you can say, because US is all about PG, and from now 2019 onward, next is also about PG. I hope you are aware about it. National Exit Test is the entrance exam for PG seats. जो लाइसेंस देगा वही एग्जामिनेशन से पीजी मिलने वाला है. सो 50% ऑफ द पीपल अगेन दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर करियर. यू कैन सी दिस. अखिलेश भारिया, आपको लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती उधर लोगों को. लो लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एक हॉस्टल में एक रूम में 6 लोग भरेंगे, वहां की पूरे किर्गिस्तान की जो बस्ती है वो देखते हैं. तो आप देख कैसे गांव में पढ़ाए आपको. अगर बस्ती नहीं है तो पेशेंट्स कहां से आएंगे. इंडिया के अंदर एक छोटे से छोटे गांव में भी 2.5 लाख की बस्ती है, और वही वही बस्ती है आपकी औश की. अब यहां हॉस्पिटल ढूंढो, आपको हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगी, क्लिनिक मिलेगी छोटी सी. क्या सीखोगे आप मेरे को वो बताओ. चलो अभी डू यू रियली वॉन्ट टू गो टू सच प्लेसेस अखिलेश. अब समझ में आया. So those who are interested to do medical PG in USA must understand that this is one way to reach out to US. This is another way to reach out to US. Fark ye hai, this is what Moksh will give you. Those who said we are interested to go right up to PG and prepare for it, Moksh will provide them with the coaching. Next coaching, USMLE coaching, PG preparatory coaching for the Germany. So India, US और Germany, तीन ऑप्शन आपको डिसाइड करने होते हैं. किसी भी तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करो, अपना डेस्टिनेशन फाइनल, आप PG तक जा सकते हो. अगर सिर्फ MBBS का सोचोगे तो आप इसका तैयारी नहीं कर पाओगे. पहले साल में जो सब्जेक्ट सिखाएंगे वो 6th ईयर में आपकी एग्जाम होगी. इतनी जर्नी में 19 सब्जेक्ट सिखाते हैं, और ऑल 19 सब्जेक्ट्स इज द कोर कोर्स करिकुलम फॉर द एग्जामिनेशन लाइक नेक्स्ट. अब इसमें से 30% लोगों ने बोला कि सर नहीं, जरूरत नहीं है कोचिंग की, हम लोग खुद पास कर लेंगे, पीजी की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट की जरूरत नहीं है. 50% लोग समझ गए कि भाई इसके बिना तो जाना ही नहीं चाहिए, और वही 10-15-20% बोलते हैं कि सर क्या करें, इंपॉर्टेंट ही नहीं है. तो उनका तो कोई भगवान ही बचाए उनको, जिसको ये नहीं समझ में आता कि लाइसेंस की जरूरत है, पीजी तो छोड़ दो, उसको तो पीजी का तो सवाल ही नहीं आता. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस मच. बट जिसको पीजी तक जाना है उसके पास मोक्ष के सिवा और कोई रास्ता नहीं है. और ये फ्री में ट्रायल यूज करो. कैसे यूज करोगे, कैसे सीखोगे, कैसे पीजी प्रिपरेशन होगी, कौन फैकल्टी आएगी, कैसे सिखाएगी, कैसे टेस्ट मॉड्यूल होंगे, सारा कुछ एक्सपीरियंस करो. ठीक है? और जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको अपना करियर पीजी तक का दिखना ही बंद हो जाएगा.
आप सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करके बैठोगे, जैसे 30% ने बोला सर मुझे सिर्फ एमबीबीएस करना है, इफ यू आर द पीपल हु आर रियली नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम गुड डॉक्टर्स हु आर कैपेबल ऑफ रीचिंग आउट टू पीजी, प्रोबेबली यू डोंट नीड दिस. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यू व्हेन यू डू पीजी यू अर्न मनी 40 लाख रुपीज पर ईयर. नीतीश कुमार, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दिस इज द स्टाइपेंड दैट यू अर्न ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी व्हाइल डूइंग पीजी. एवरेज स्टाइपेंड ड्यूरिंग रेसिडेंसी, जस्ट रीड इट फॉर योर सेल्फ, सर्च फॉर योर सेल्फ. यू गेट अ स्टाइपेंड. इंडिया के अंदर 1.5 करोड़ पीजी का प्राइवेट में सीट मिलता है, यूएस में आपको 1.5 करोड़ पीजी भी मिलता है और पैसा भी मिलता है. कौन सा चूज करोगे आप लोग में से, किस में जाना है? जिसको नहीं जाना था वो अभी चुप बैठेंगे, ठीक है ना? आप बोलना मत मुझे पीजी करना है. ये चीजें पहले से थोड़ा रिसर्च करके रखो. जब आपको 1.5 करोड़ सामने से मिल रहा हो और जब 1.5 करोड़ निकल रहा हो जेब से, तो समझ में आएगा कि क्यों यूएसएमएलई की प्रिपरेशन भी जरूरी है. आपके चौथे एमबीबीएस के चौथे साल में ही आपका स्टेप वन देना, छठे साल में 2 CK और सीधा एमबीबीएस बन के पीजी तैयारी करो, फ्लैगशिप करो. सो देयर इज अ सिस्टमैटिक प्लानिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, देन ओनली यू विल बी डूइंग. तो एमबीबीएस एक यूजी लेवल डिग्री है, इतना एक्साइटमेंट मत हो जाओ. अपना विजन थोड़ा सा बड़ा कर दो कि मुझे यहाँ जाना है एमबीबीएस में, बट उसके दौरान मुझे ऐसी प्रिपरेशन करनी है ताकि मेरी लाइफ बन जाए. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट प्लीज. ओके, सो this is the way one can become. There is another way. Preksha, now coming back to Caribbean, ye CAM HP ke bina nahi ja sakti. Aur jaise hi CAM HP approved university li, matlab kharcha badh gaya. So, India ke andar PG ka roadmap ginoge to karodo mein jata hai. Nitish Kumar, what is your budget? In 20 lakhs, you cannot go to US, Nitish Kumar. You have to come back to India. You should go for something like Crimea Federal University plus next coaching is the solution for you. It will be there within 50 lakhs. Everything will be done. Some best universities, Amir, the best university is very easy, you can find out. Go to Indian Embassy in Moscow, go to Education Department and go to Annexter. Here, Control F and Belarus, and you know the highest passing ratio is in Vitebsk, not in Belarusian State Medical University. This is promoted. This is actually very good. Don't go to Belarusian State Medical University. This is videos, idhar udhar, har jagah pe iska promotion chalta hai. To promotion agent karta hai. Actual mein isar hi jana hai. Moksh will only place you here. It will not place you in any other lower class universities. In any country, you can go ranking on the basis of the screening, MCI screening test, the best one is Vitesp. Okay? Amir, that was an answer for your question.
Preksha, what is your budget? I mean, just for explanation, it doesn't make sense. If you have the budget of 80 lakhs, definitely I'll ask somebody. I can connect you with the university directly and you can speak with them. What is the budget? The best one, Preksha, and there is one more person. Preksha and Nitish Kumar, to both of you, let me explain you this program. This program is done within a budget of around 40 lakh rupees. Including MBBS. So MBBS will be around 20 to 25 and balance is this one around 20 to 25. Per isme, this will cost you 12, this will cost you around 10 and next month you start earning 40 lakhs. So this is during your MBBS. This whole thing happens during your 6 years of MBBS. Okay. And this happens in USA and this continues in USA. So 4 months of clerkship and immediately you are in US medical PG. I hope you understand. Shakib Ali, 412 and 83%. My budget is 2020. Oh, fantastic. 83%. Shakib, just go Crimea Federal. Because the budget is hardly 16 lakh rupees, okay? Plus you can do USMLE. Within your budget, you can complete, you can go. We will give you loan at time of clerkship, nothing to worry. So you can cover this in Crimea. You can cover the entire passing, everything within your budget. Here we'll give you a loan of 10 lakhs, you know, through the banks and all. And within 4 months, you'll have to start paying here. So that's the best program. But if you want to come back to India, it's a different story altogether. Nitish Kumar, MBBS fees only. Depends on the university, Nitish. This can from 15 lakhs, it can go right up to 30 lakhs. That's how it works. Okay. This is the loan available generally. This is what you need to pay. Clear step one, clear step two, CK. You get 240 in step one. We will ensure that with your kind of marks, you will be able to do that. And you will be able to get into clerkship. We will get you the loan at that time because this is like 10 lakhs. Okay. And this is another 10 lakhs. So before getting into entry into PG, you need 20 lakhs. And you can select this one plus 10 lakhs. And this is within budget. And then this you will get a loan. So you can opt for USA or you can opt for Korea. Plus next coaching that will be below 20 lakhs. Come back to India and appear for next examination. This will be below 20 lakhs. You can choose any one of them. I'm saying including food, wood, everything. Okay. Clear? Akhilesh Bharia, you asked me a question probably. Raj Kumawat, you can get into
depends on the budget. What's your budget? Shakib, if it is 20, please don't go to US, come back to India. If it is 30 plus, then only go to US. Okay? Preksha, you can choose your USMLE program. Absolutely no problem. Sir, Caribbean University is having CAM HP से भी direct. अरे भाई, USMLE तो सबको देना ही पड़ेगा यार. No, Shakib, if you are not financially strong, in that case, please do not choose USMLE. Okay? It is an expensive thing. Okay? ₹20 lakhs maximum. Rajkumar, आपके मार्क्स कैसे हैं? What are your marks? Good score. What is a good score? Tell me the score. No. That's a very bad. जलालाबाद का मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डेंजरस जगह है. जस्ट सर्च. परीक्षा स्टेप वन हैज टू बी अपियर्ड इन योर फोर्थ ईयर एंड स्टेप टू सीके इन योर सिक्स्थ ईयर. Okay. Step one is based on non-clinical subjects. Step two is based on clinical subjects. That's how they is defining. ये जलालाबाद के पिक्चर है भाई. देर वॉज ह्यूज प्रॉब्लम. लॉट ऑफ रोड वॉज बर्नड आउट. देर इज लॉट ऑफ टेररिज्म ओवर देयर. लॉट ऑफ वायलेंस ओवर देयर. ठीक है, इज समबडी इज सेंडिंग यू ओवर देयर, यू आर वेरी वेरी केयरफुल. कौन जाने की बात कर रहा था जलालाबाद में? राजकुमावत, प्लीज डोंट गो देयर. एजेंट फंसा रहा है आपको. गलत जगह है, अच्छे सेफ जगह पे चले जाओ. राज, आपका मार्क्स 205 नीट, नो प्रॉब्लम. 12th के मार्क्स के ऊपर है. मैंने बताया 70% चाहिए क्रीमिया में जाने के लिए. यू नीड 70% इन केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी इन 12th. Go for Crimea, 100%. And I show you why. Let's go back to this. Let's go here and see what is the pass percentage. Control F, Russia करो. Passing percentage of Crimea, 38.7%. Highest in the world.
क्रीमिया से ज्यादा स्टूडेंट्स पास नहीं हुए हैं कोई यूनिवर्सिटी में, हाईएस्ट इज क्रीमिया, और यही चीज हम लोग किर्गिस्तान का ढूंढते हैं। कितने स्टूडेंट पास है जलालाबाद से? कोई औश का पूछ रहा था, ये देखो औश की हालत, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम जलालाबाद। औश की भी हालत, क्योंकि वो छोटे से गांव में आ रहा है। ओके, इफ यू आर गोइंग गो फॉर गुड यूनिवर्सिटी, किर्गिस्तान जाए, बहुत ही बुरा हाल है वहां पे। ठीक है, यू आर गेटिंग क्लियर? ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। शाकिब, क्रीमिया वॉज इन यूक्रेन, यू मस्ट बी सर्चिंग इन रशिया। क्रीमिया वॉज इन यूक्रेन टिल 2014 एंड वन फाइन नाइट इट बिकेम एनेक्स टू द रशिया, सो इट वॉज ऑल ओवर। नाउ सिंस 4 years यू हैव टू हैव absolutely English taught, because it was in Ukraine, no, until 2014. So the same system runs. So that's a very important question, Preksha, that you have asked for. You know, this embassy, they have given very clear indication. In Russia, you have to be very, very careful. Read here. Bahut important hai advisory. This is a government advisory for prospective students. Read what are the advisories and you will be shocked. People in India, students ne bakre samajh ke bhej dete hain agents. But reality ye hai. Publicity bahut dekhoge aapke Instagram pe, YouTube pe, har jagah publicity hai. Russia ja aur Russia ja. Aur halat dekho kya hai. Liga kya wahan jaake? You got it? Don't get enthused publicity in India about English medium course, because this is not correct. Student must be prepared for dual medium, first 3 years in English. From fourth year, they'll start teaching in local language. Khatam. कहां से समझ में आएगा कि भाई कैसे नेट का पास करूं? कुछ समझ में लेक्चर में आता ही नहीं है। अगर आप अच्छी टॉप क्वालिटी की स्पेशल लाइसेंस वाली यूनिवर्सिटी में नहीं गए, तो आउट ऑफ 48 यूनिवर्सिटीज ओनली 6-7 आर गुड इन इंग्लिश। मैंने आपको रैंकिंग बताई, आपको मैं वापस निकाल सकता हूं इफ यू आर इंटरेस्ट। Is anybody interested to understand rankings? So what you do, आप लोग पूरा दिन गूगल करते हो, इसका क्यों नहीं किया है अगर आप लोगों ने? रेटिंग्स ऑफ रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज इंडियन एम्बेसी के हिसाब से रेट देख लो आप लोग। 28 यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर में टॉप 4 में कहां पे भी चले जाओ, और इसके नीचे दूसरी भी यूनिवर्सिटी भी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, इस कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ। बट जब ये कजान में आता है तो कजान स्टेट चूज करो। आप देखोगे सबसे ज्यादा पब्लिसिटी आपके एजेंट करेंगे सबसे लोएस्ट क्वालिटी, तो आप जैसे नीचे जाते जाओगे आपको क्या मिलेगा? रशियन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज। आप समझ रहे हो? रशियन लैंग्वेज। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ये एम्बेसी की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की है, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। लोग किसी में भी जाते हैं, व्हाई शुड आई गो फॉर द बॉटम कॉलेजेस, व्हाई शुड आई नॉट गो टू द टॉप वंस? ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। प्रेक्षा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द वर्ल्ड रैंक व्हेन देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु हैज एवर पास्ड इन एमसीआई? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? इज योर इंटरेस्ट इन लाइसेंस,
by passing MCI's test, or is your interest is in studying in only a world rank? Ranking is important or a license examination? बड़े से बड़ी तरास यूनिवर्सिटी है, वो दो साल पहले चालू की थी, बट उधर की कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो यूक्रेन की, हुए तो एक डेढ़ साल ही है उसको, रैंकिंग बहुत हाई है। और दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 238 साल से काम पढ़ाई सिखा रही है लवीव, और हाईएस्ट पासिंग एमसीआई का बुक ऑफ इंडियन में। कौन सी चूज करोगे आप, 2 साल वाली या 200 साल वाली और हाईएस्ट एमसीआई पासिंग वाली? ओके, ओके, आई कांट अंडरस्टैंड फीस। नितेश, somebody, some counselor will give you a call and explain you. The fee structure is very different. Fee structure, which university are you thinking, Nitesh? Every country has something good to offer. Nitesh Kumar, every country has something good to offer. No, these are two different universities. The one which has invested on hospitals. Yeah, Shakib, just hold on. The one which has invested more on the hospitals is in the Ministry of Healthcare, and the one which has invested more on the education, it comes under Ministry of Science and Technology. Nitesh, there is no direct. Did you see any program which is direct? Do you see any direct? Because if you want to go to US directly, you don't have that budget. It needs 3 crores. You said your budget is 20 to 25 lakhs, right? So you have to do this program only. You cannot go to US if your budget is 20 lakhs. Okay? This is going to be 20 to 25 lakhs. This is going to be 40 lakhs. This is going to be 30 lakhs. And this is going to be 70 to 80. You have to choose based on the budget. Okay? Okay, let me ask what's your budget, then I can come back to you. So, those people will have to understand, as per the budget, those who have more than 70 plus, they can choose to go to Caribbean. Those who have 35 to 50, they can choose USMLE program. I hope you understood now. Preksha, you can't go to a non-Caribbean university. Your budget is not enough to go through Caribbean with a CAM HP. I told you. This is not for you. If you want to go to through Caribbean, then you can go to non-CAM HP approved. They will be cheap, but that degree is waste. Nitesh and Aisha both have exact same budget.
both of you should choose this program. Preksha and Nitish, you forget about going through this. It's not going to work. No, it is 5.5 years. To both of you, I'm telling you, please forget about, don't be adamant on Caribbean route because you are going to be in trouble. It is not internship, it is clinical rotations in USA. Perfect, Nitish. So what happens? You can study MBBS in any country, in India, China, Russia, Ukraine. But while studying MBBS, you have to pass through step 1 and step 2 CK examinations. For that, we will provide you the training. And this entire thing, including the clerkship in USA, is not going to cost you more than 40-45. So after this, you can enter into PG. But if you have larger budget, you can choose Caribbean PG. There are huge number of advantages of doing medical PG in USA, like earning during your residency, degree being approved on, you know, the PG degree is approved back in India. And third, no need of FMG or next examination. Okay, you can experience Preksha, it's a free of cost. Somebody will give you a call. You can experience the coaching free of cost to the registered students. We give it to everybody. Okay. Shakib, there is no problem. For PLAB, I'm telling you again and again, nothing to worry. Okay? Even for PLAB, CREMIA is not a problem because the university has the PLAB approval. Okay? So let's finish off the webinar. It's exactly 8 o'clock. I'm tired at the end of the day. I think I've answered almost every question. I have only one question to ask now. And I want as many participants to participate on this particular poll. There are huge number of students listening to me right now. Can you please give your feedbacks? Admission agents, please don't give me your feedback. I know they are there. They are always there on our webinars. They learn, you see, and they come. I'm so thankful. 100% of the people are satisfied today. 71% of the people have voted and 100% of the people are satisfactory. That's fantastic. I'm just going to share this with you. 86% of the people have voted, very helpful, 17% helpful. So I think 100% of the people have approved. So we will continue with webinars on a daily basis. Anybody who can, you can just connect us back at, generally it is at 6 o'clock. Tomorrow again we have one more webinar that's on USMLE coaching. Tomorrow, you, if you are looking for it, Preksha, you can actually experience it. There is a demo coaching available tomorrow webinar. If you have the time, you can attend it. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Thank you so much, Shakil. Thank you. Thank you.